हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सिरोही जिले में गौरव यात्रा के दौरान शुक्रवार सुबह मॉडर्न इंस्टीट्यूट स्थित आवास में विभिन्न संगठन के लोगों से मुलाकात की। सिरोही दरबार रघुवीर सिंह देवड़ा से भेंट कर गांधीनगर ओवरब्रिज की भूमि पर चर्चा की गई। साथ ही आबू मार्बल एसोसिएशन, भाजपा महिला मोर्चा, जनप्रतिनिधियों से वार्ता की गई। माउंट आबू से 200 स्कूली छात्राएं सफेद वस्त्रों में पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। करीब 10 मिनट चली वार्ता के बाद आकार भट्टा और मानपुर तिराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, सिख समाज के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। हवाई पट्टी पर पूर्व विधायक टिकमचंद कांत के निधन पर उनके पुत्र मनीष कांत से वार्ता कर ढांढस बंधाया। इसके बाद मानपुर हवाई पट्टी पर जिला प्रमुख जिला कलेक्टर से वार्ता की। जिला कलेक्टर को 56 अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर से कहा कि पुलिस को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करे, किसी के दबाव में ना आए। इसके बाद वह जालौर के सुंदा माता पर्वत के लिए उड़ान भरी। आबू रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।